इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 9 जुलाई को खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचने के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा ठंडी चाय पिलाने की बात पर राजनगर एसडीएम ने 11 जुलाई को नोटिस जारी किया, जिस मुद्दे को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मामा जी चाय वाले से इतनी नफरत क्यों, नफरत किससे निपट कौन रहा है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया हो। और इसके तुरंत बाद नोटिस जारी करने वाले स्थानीय एसडीएम राजनगर टीपी द्विवेदी भी अपनी बात से पलट गए और मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री को नहीं पिलाई गई, हम लोगों को पिलाई गई और यदि वो चाय उनको उपलब्ध करा दी जाती तो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती, इसलिए नोटिस जारी किया गया था, राकेश कहुआ के लिए अधिकृत किया था। जब हम लोग 11:30 बजे के लगभग चाय पी रहे थे तो एकदम ठंडी चाय थी, यदि ऐसी चाय वीवीआईपी को जाती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नोटिस जारी किया था। मुख्यमंत्री जी के खजुराहो आगमन को लेकर एक मैटर आया है, ठंडी चाय पिलाई गई जो मुख्यमंत्री जी को लेकर। मुख्यमंत्री जी को नहीं पिलाई गई, हम लोगों को पिलाई गई थी ठंडी चाय, और यदि बॉय चाय उनके लिए उपलब्ध करा दी जाती तो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती, इसलिए नोटिस जारी किया गया। सर जो नोटिस है वो किसके संदर्भ में है, किसको नोटिस जारी किया, क्या है? मैंने राकेश कनवा के लिए अधिकृत किया था, वो जब हम लोग 11:30 बजे के अलावा वो चाय पी रहे थे तो बिल्कुल ठंडी चाय थी, तो यदि ऐसी चाय वीवीआईपी को जाती तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसको नोटिस जारी किया। वरदान एक्सप्रेस के लिए खजुराहो से हरिओम खरे की रिपोर्ट।